सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तो आपको इंडियन नेवी में सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट वाली पोस्ट में ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उसका आंसर क्लियर है कि आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद आप और अच्छा कुछ कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं और आपको लग रहा है कि ये जॉब मेरे को करनी है और इसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना ही मजबूर हैं, तो आप डेफिनेटली करिए। इंडियन नेवी भी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगी। अगर आप नहीं है मजबूर, अगर आपको लग रहा है आप इंडियन नेवी से अच्छा और कुछ अच्छा आगे करना चाहते हैं, कर सकते हैं, तो आप वह भी कर सकते हैं। इंडियन नेवीज़ आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ज़रूर प्रोवाइड करती है, लेकिन वो सिर्फ 10+2 कैंडिडेट्स को ही बुला रही है अपने सिलेक्शन में, क्योंकि उनको 12वीं ग्रेजुएशन पास करने वाले लोग नहीं चाहिए। उनको ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, ज़्यादा काम करवाने वाले लोग, जिनको ज़्यादा नॉलेज है, वो हाईफाई लोग नहीं चाहिए। उनको सिर्फ 18 से 20, 21 साल के लड़के चाहिए जिन्होंने जस्ट 12वीं पास करी हो और जो देश के लिए आगे अपनी ड्यूटी कर सकते हैं एक अच्छी पेमेंट के साथ। हालांकि इंडियन नेवी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ और अच्छी पेमेंट और पर्क्स दे रही है जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ग्रेजुएशन के बाद भी नहीं देती, बट फिर भी जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो 12वीं पास की है। ग्रेजुएशन डिग्री वालों का यूज़ नहीं है, कोई उसका एडवांटेज नहीं है, क्योंकि अंदर घुस के भी आपको पूरा स्टार्टिंग से ही कंपटीशन में हिस्सा बनना है, परफॉर्म करना है, सब कुछ करना है। अगर आप कर सकते हो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि मैंने ग्रेजुएशन कर ली, जॉब नहीं मिल रही, 20 साल का हो गया हूँ, इंडियन नेवी की लास्ट अपॉर्चुनिटी और मेरे को करना ही करना है, तो आप डेफिनेटली करिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट अगर आप कोशिश करोगे, आपको चाहिए कि आप ऑफिसर एंट्री में कर सकते हो, तो आप SSB की तैयारी करो, आप एग्ज़ाम दो, रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर करो। नेवी में एंट्री का जो रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करो, उसके बाद आप ऑफिसर की एंट्री ट्राई करो नेवी में। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझको यही सेलर एंट्री में करना है, तो आप ये भी कर सकते हो। अगर आपके पास, मैंने वही बोला, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, कुछ फाइनेंशियल बैकग्राउंड प्रॉब्लम है, तो आप करिए। लाइफ आपकी कॉम्पिटिटिव फिर भी होगी, बट आपको अपॉर्चुनिटी ग्रोथ की मिलेगी। और एक और क्वेश्चन इसी में एड ऑन करना चाहूँगा कि अगर आपने 12वीं करके एक साल कहीं ग्रेजुएशन में लगा दिया है और आप सोच रहे हो मैं नेवी ज्वाइन करके साथ ही साथ करस्पॉन्डेंस से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कर लूँगा, तो वह भी आप नहीं कर सकते। ग्रेजुएशन ट्रेनिंग के साथ साथ आप उधर जाके प्रेजेंट नहीं हो सकते फिजिकली, आप वापस नेवी के अंदर ज्वाइन करिए। नेवी के अंदर से फिर आप NOC लेके, नो ऑब्जेक्शन लेके, फिर से आप अपने सीनियर अथॉरिटी से परमिशन लेके फिर बाहर कहीं करस्पॉन्डेंट से अपनी ग्रेजुएशन डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप एक बार ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन करने के बाद अगर आपको लगता है 12वीं के बाद आपको ग्रेजुएशन चाहिए ही चाहिए 3-4 साल के अंदर, तो आप एक बार बेसिक ट्रेनिंग चिल्का की कंप्लीट करके, प्रोफेशनल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही एप्लीकेशन डाल के एक नो ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, और उसके बाद जहाँ से भी आपको करस्पॉन्डेंस करनी है वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपको कोई इसके लिए स्पेशल लीव्स वगैरह नहीं दी जाएंगी स्टार्टिंग में, वो नहीं दी। करस्पॉन्डेंस डिग्री करनी है, हाँ आपको बीच बीच में एग्जाम्स के लिए जाना है तो आप छुट्टी लेके एग्जाम्स देने जा सकते हो। तो ये आप कर सकते हो कि आप ग्रेजुएशन साइड बाय साइड एक बार ज्वाइन कर लिया उसके बाद कर सकते हो, ना कि ग्रेजुएशन तो चलता रहेगा साइड में, मैं ट्रेनिंग भी करता रहूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक बार अंदर आ जाओगे उसके बाद आपको फिर से ग्रेजुएशन करस्पॉन्डेंस कहीं दूर से डिस्टेंट एजुकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और खुद के टाइम निकाल के सेल्फ टाइम में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो दो चीज़ इस वीडियो में कवर करी है, ग्रेजुएशन डिग्री कि अगर आपके पास ऑलरेडी है और आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो, बट अगर आप बहुत ही वीक बैकग्राउंड हो तभी करिए, नहीं तो आप ऑफिसर एंट्री और अच्छी चीज़ों में कर सकते हैं। ये पोस्ट 12वीं क्लास के लिए है, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट। और दूसरी चीज़, एक बार अगर आप एंटर कर चुके हो उसके बाद अगर आपको पढ़ाई करनी है आगे, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप अंदर से उसकी एप्लीकेशन डाल के अपने ऑर्गेनाइजेशन में नो ऑब्जेक्शन लेके पढ़ाई कर सकते हो, डिस्टेंट एजुकेशन कर सकते हो, और सेल्फ टाइम में पढ़ना है और छुट्टियों में जाके एग्ज़ाम देना है, बीच बीच में जो जैसा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होगा उसको फुलफिल करके। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब मिलते रहें।